नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, 37,000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27% वृद्धि, वहीं 1,650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपए मासिक बढ़ोतरी की गई है, 6,000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता समेत कई योजनाएं शामिल हैं। हम आवास में आपने देखा कि 2011 के जनगणना के आधार पे बना है, अब 2021 में होना था, तो इस बीच में बहुत सारे परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है, बच्चे बड़े हुए, शादी हो गई, मकान है या आर्थिक स्थिति खराब हुई तो कच्चे मकान में है या एकल, नाम्स वही रहेंगे जो भारत सरकार के थे, लेकिन अब नए हितग्राही बन गए हैं। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया तो सारे लोग बोलते थे हमारे पास, हमको आवास ये, हमारे पास आवास नहीं है, परिवार बढ़ गया है, एक ही घर है, 3 परिवार हो गए हैं, अब 2 परिवार हैं वो चाहते हैं कि हमको आवास मिले, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अब वही अधिकारियों के साथ सामने स्थिति ये थी कि 2011 की जनगणना में तो उसका नाम नहीं है, हम उसको नहीं दे सकते, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने कराया और उसमें जो डिमांड आई है, सर्वे में जो रिपोर्ट आया है, तो उसी आधार पे ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने पर पहले, मतलब जैसे आवासहीनों को देते हैं, कच्चे मकान को देते हैं, पहली प्राथमिकता क्या है जो आवासहीन है, दूसरी प्राथमिकता क्या है जो कच्चे मकान के हैं, तो इस प्रकार जो गाइड भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया उसी के अनुरूप ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पारित करके फिर उनको राशि दी जाएगी, उसके लिए भी बजट में प्रावधान। बेरोजगारी भत्ता को लेकर सदन में हंगामे पर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कार्यालय में बेरोजगार कौन है इसका पंजीयन नहीं होता, बल्कि सरकारी नौकरी किसे चाहिए उसका पंजीयन होता है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण का मामला अटका नहीं होता तो और लोगों को सरकारी रोजगार मिलना तय था। बेरोजगार कौन है इसका पंजीयन नहीं होता, सरकारी नौकरी किसको चाहिए उनका पंजीयन होता है। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डाल सकते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास रोजगार नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि वहां पर जो लोग नाम लिखाते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। बेरोजगारी एक अलग चीज हो गई और रोजगार कार्यालय में नाम पंजीयन कराना एक अलग चीज हो गई। उसको आप अगर कहेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं, मैं समझता हूं कि जितने साथी आप लोग हैं यहां सब ने पहल की होगी या नाम लिखाया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उसका अर्थ एक कि आप बेरोजगार फिलहाल नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र को लेकर के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं में से 12 बिंदुओं पर पूर्ण रूप से काम हुआ है, लेकिन 12 बिंदु पर पहल करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि तेंदुपत्ता की खरीदी 4,000 रुपए मानक बोरा पर की जा रही है, साथ ही पीडीएस में गरीबी रेखा वालों को 1 और एपीएल को 10 में से चावल दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पार्टी ने जनता की सेवा में बहुत सारी चीजें लागू की हैं। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र के 36 प्रमुख लक्ष्य हमारे थे, मैं कुछ दिन पहले ही उसकी समीक्षा कर रहा था, तो 12 तो पूरे हो चुके हैं, 12 आंशिक रूप से पूरे हुए हैं और 12 में पहल करने की आवश्यकता है। उसको भी देख रहे थे तो उसमें भी जो अधूरे हैं उसमें से भी कुछ पूरे हो गए हैं और जो लागू नहीं हुए थे उसमें भी कुछ अंश कवर हुआ है। तो 100% हो गया है ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ये बिल्कुल असत्य है। जैसे बात हो रही थी कि कुछ भी नहीं किया, तो आप गिना दीजिए, मैं ही गिना दूंगा, इतनी इतनी चीजें हुई हैं। कमल विहार का बदला नाम, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमल विहार का नाम बदल गया है और कमल विहार का नाम कौशल्या विहार रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमल विहार का नाम कौशल्या विहार पड़ गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जहां कमल विहार का नाम बदला गया है और नाम बदलकर कमला विहार बना दिया गया है, कौशल्या विहार बना दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में कमल विहार का नाम बदला गया है, कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार रखा गया है। घोषणा पत्र आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार रखा जाएगा। मणिपुर मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री सिंहदेव का बयान सामने आया है। बता दें कि सिंहदेव ने मणिपुर मामले को लेकर कहा है कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसे उचित नहीं मानता, फर्जी जाति प्रमाण पत्र में भर्ती हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि शासन की संज्ञान में बात है और कार्रवाई चल रही है। दंड व्यवस्था में हम लोगों ने भी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग देखे, जिसमें कुछ युवा सड़क पे दौड़ रहे थे। प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज। अब खबर रायपुर से है, जहां नग्न प्रदर्शन पर सियासत को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि बीजेपी युवाओं को समझाने के बजाय उकसाने की कोशिश कर रही है, राजभवन जाकर के तथ्य बात करने के बजाय उनको उकसाने की बात कर रही है। वहीं ये समाज के लिए उदाहरण नहीं हो सकता। बीजेपी से मेरा आग्रह है कि हमेशा तथ्यात्मक राजनीति करें, गांधीवादी विचारधारा में राजनीति करनी चाहिए। अगर राजभवन गए तो विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए अनुरोध करें। केवल विरोध की राजनीति करेंगे, सरकार को बदनाम करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। चाहे लोगों को समझाने को उनको उकसाने का काम कर रही है, बहुत दुखद है। और गांधी जी के देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और दांडी यात्रा किए हैं, लेकिन कभी इस प्रकार के आंदोलन को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी उनको उकसाने का काम कर रही है और राजभवन जा कर के बिना तथ्य का बात कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रायपुर के सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डायरिया से प्रभावित करीब 150 से ज्यादा मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान उन्होंने मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की, जहां उन्होंने घायलों के यानी बीमारों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खबर रायपुर से है, जहां डायरिया के मरीजों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहुंचकर मुलाकात की है, साथ ही उनका हालचाल जाना है। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि जो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सरकार संतुष्ट क्यों नहीं कर रही है? 4.5 साल तक सरकार आखिर क्या कर रही थी? अब बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनाएंगे। कुल मिलाकर दोषी सरकार है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ धर्मपाल कौशिक ने जहरीली शराब को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति भयावह है, छत्तीसगढ़ सरकार को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था हो, और लगातार विधानसभा में हम लोग उठाते रहे और बाहर ये आरोप भी लगाते रहे कि नवजात शिशु के जो मृत्यु हुई है
पाँच वर्ष के तक के जो बच्चे की मृत्यु हुई है और उसकी काफ़ी संख्या है। आज मैं जब प्रश्न लगाया था और मेरे प्रश्न के जवाब में जो लिखित उत्तर आया है, प्रश्न क्रमांक 206/1923, इसमें लिखित उत्तर आया है नवजात शिशु की मृत्यु की 0 से 28 दिन 23,693, 5 वर्ष से कम बाल मृत्यु की संख्या इसमें आया है कि 15,574, ये 2019 से 30 जून 2023 तक का है। अब खबर रायपुर से है, जहां युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि 1000 से अधिक प्रकरण है, ये मामला बेहद शर्मनाक है। पीड़ित पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर सरकार में जरा भी नैतिकता है तो सीएम को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रदेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता, युवाओं ने जब अल्टीमेटम दिया था तो सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मामले में चर्चा कराने की मांग भी की है। दूसरा विषय, कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, जबकि उन नौजवानों ने पहले सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी, हमारे हक को मारा गया है और अगर इस पे कोई कार्यवाही नहीं होती तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां बीजेपी ने आज प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बलरामपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता रामविचार नेताम ने रामानुजन विधायक बृहस्पत सिंह पर क्षेत्र की जनता पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रामविचार नेताम ने कहा है कि हम क्षेत्रीय विधायक की शिकायत करने आए हैं और हमें पता है कि सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। मीडिया से बात करते हुए रामविचार नेताम ने क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक को अपने आका का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अधिकारियों में जांच करने का दम नहीं है। जिसके बाद बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। खबर बलरामपुर से है, जहां बीजेपी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। बीजेपी नेता ने कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से बलरामपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर उसका घेराव किया गया और कार्यकर्ताओं ने यहां पर घेराव करने के बाद से प्रदर्शन भी किया, जिस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो जो अत्याचार अन्याय किया गया है उसका एक ज्ञापन यहाँ हमारे पार्टी के द्वारा दिया गया है। अब इनके स्तर का जो जांच होगा वो तो जांच होगा ही, लेकिन हम लोग को मालूम है कि सैया भय कोतवाल तो डर का है, इनके आका के ही इतने आका का इनके ऊपर बरद हस्त इनको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके वजह से हम लोग को भी मालूम है कि ये अधिकारी कर्मचारियों में वो दम नहीं है और ये प्रशासन में दम नहीं है कि इस तरह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ पे कोई जांच कर सके। तो खबर बलरामपुर से है, जहां बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रदर्शन भी किया और भ्रष्टाचार को लेकर के जिला प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। अब खबर बीजापुर से है, जहां सीएमएचओ डॉक्टर अजय रामटेके ने
पामेड़ स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि पामेड़ स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर अजय रामटे के छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की अंतिम छोर में बसा पामेड़ पहुंचना आसान नहीं है। दरअसल पामेड़ जाने के दो रास्ते, एक अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र उसूर से होते हुए तो दूसरा छत्तीसगढ़ पार कर तेलंगाना के चेरला से वहां पहुंचा जा सकता है। ऐसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बनने के बाद डॉक्टर अजय रामटेके का जिले के अंतिम छोर में पहला दौरा पामेड़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया गया, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और दूसरी ओर सुविधाएं बेहतर कराने के लिए ये दौरा किया गया। आपको बता दें कि यहाँ बारिश के दिनों स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को क्षेत्र में स्वास्थ्य अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खबर बीजापुर से है, जहां सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण पर पहुंचे। आपको बता दें कि बीजापुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमएचओ डॉक्टर अजय रामटेके ने पामेड़ स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि पामेड़ स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर अजय रामटेके छत्तीसगढ़ के बीजापुर पहुंचे हैं और ये स्वास्थ्य केंद्र जिले के अंतिम छोर में बसा पामेड़ में स्थित है। दरअसल पामेड़ जाने के दो रास्ते हैं, पहला संवेदनशील नक्सल क्षेत्र उसूर से होते हुए तो दूसरा छत्तीसगढ़ पार कर तेलंगाना के चेरला से पहुंचा जा सकता है। ऐसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बनने के बाद से डॉक्टर अजय रामटेके का जिले के अंतिम छोर में पहला दौरा पामेड़ के स्वास्थ्य विभाग का किया गया, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और दूसरी ओर सुविधाएं बेहतर कराने के लिए दौरा कराया गया। आपको बता दें कि जहां बारिश के दिनों में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बीजापुर के जिले के अंतिम छोर में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामेड़ है, जहां पे बीजापुर मुख्यालय से जिसकी दूरी लगभग 215 किलोमीटर तेलंगाना के माध्यम से जाना पड़ता है, वहां पे हमारे पदस्थ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, आरएसओ मेल फीमेल सभी अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी बारिश के दिन लगातार बारिश हो रही है, उनके द्वारा दवाइयों की मांग की गई है और तो साथ ही साथ तो उनको जाने के लिए लाइफ जैकेट खबर बीजापुर के फरसेरगढ़ से है, जहां बारिश के बीच स्पार्क होने के बाद कमांड के आईडी फटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बम फटने से सड़क पर कई फीट बड़ा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लांट किया था। वहीं बारिश के बीच स्पार्क होने से बिना कमांड के बम फट गया। आपको बता दें कि ब्लास्ट से किसी तरह का जानमाल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी घटना है जहां बीजापुर में नक्सलियों की नापाक हरकत सामने आई है। नक्सलियों ने बीच सड़क में बम प्लांट किया था, जिसके बाद से बिना कमांड के ही ये बम फट गया। अब खबर बेमेतरा से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अनेकों घोषणा कर प्रदेश सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। बेमेतरा जिला में शक्कर कारखाना, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जैसे अनेकों झूठे वादे कर क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने का काम लगातार सत्ताधारी द्वारा किया जा रहा है। वहीं बेमेतरा विधानसभा स्तरीय प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन बाजार चौक बरेला में आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में नहीं दिखी सक्रियता, जिस हिसाब से विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भीड़ की संख्या नाममात्र की देखने को मिली। इस अवसर पर पूर्व सांसद लखन साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक, प्रदेश मंत्री बीजेपी अवधेश चंदेल समेत नेता उपस्थित रहे। संपूर्ण 90 विधानसभाओं में कांग्रेस के वादा खिलाफी, भूपेश बघेल के वादा खिलाफी और स्थानीय विधायक के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करना है, जो बहुत सारे मुद्दे हैं।
वो सब मुद्दों को लेकर के हमने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जहां विधायक का कार्यालय निवास है वहां घेरना था तो हमने प्रशासनिक अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी, राजस्व के कार्यालय को घेरने के लिए आए थे। हमारा मुद्दा था गांव-गांव में शराब बंद हो। के मंडल अध्यक्ष और उनके जनप्रतिनिधि आए हुए थे और उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन करने के पश्चात महामहिम राज्यपाल के नाम पे विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और महामहिम के जो ज्ञापन दिया गया है उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रशासन को प्रेषित कर दी जाएगी। जगदलपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सत्तपी जगदलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां बस्तर रेलवे आंदोलन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। साथ ही रेलवे परिसर में उनके और उनके साथ आए रेलवे अधिकारियों के हाथों पौधारोपण करवाया। इस दौरान बस्तर चैंबर अध्यक्ष मनीष शर्मा, किशोर पारख, दशरथ कश्यप सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अनूप सत्तपी की पदोन्नति पर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही रावघाट जगदलपुर रेल लाइन में लगातार मिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सरकार के प्रायोरिटी में आ गया, लेंस में आ गया। हमारे माननीय मंत्री जी भी इसमें कोशिश किए हैं। मैं एक ही बार बात किया था जब वो बहुत सीरियसली लिए और उसमें जो लोग एक कंपनी बना करके काम कर रहे थे, काम काफी धीमी थी, उनसे लेटर वगैरह भी ले लिया गया। तो रेलवे बोर्ड में एज आई अंडरस्टैंड ये बहुत हाई लेवल में कंसल्टेशन में है कि कितना जल्दी इसमें काम शुरू हो पाए। तो शायद एजेंसी वगैरह अभी फिक्स करने का समय है और रेलवे बोर्ड इसमें पूरा अवगत है हर चीज़ में। देर इज नो रीजन के लिए आज नहीं तो कार्य तो होना ही है। अभी कितना जल्दी हो जाए। बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्राइवेट संस्था के दो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उसके बाद भी विधानसभा में इसे प्रस्तुत करना ये सदन की अवमानना है। अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं प्राइवेट संस्था के जिसकी कोई मान्यता नहीं है, वो सरकार स्वीकार कर चुकी, उसके बाद भी विधानसभा में उसको प्रस्तुत करना ये सदन की अवमानना है। मैं तो अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े आज की तारीख में उसमें 18 लाख लोग बेरोजगार हैं, सरकार को 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। और सीधा चलेंगे रायपुर, जहां विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। लोगों ने नहीं भेजा है, हम लोगों ने जांच करने के लिए भेजा है। जांच करके उनने जांच रिपोर्ट दिया है, उस पर कार्यवाही हम करते हैं, कार्यवाही उनको करने के लिए नहीं लिखा गया। नहीं नहीं माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिए ये आज के मेरे प्रश्न के प्रपत्र वहां में इन्हें लिखा रिपोर्ट में रटिंग का सुधार करने का लेख किया गया, कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है। ठीक तो लिखा है ना? हाँ, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर कहा ना, तो कार्रवाई तो आपको करना है। हमको करना है, पर उनने स्पष्ट कर दिया है जांच रिपोर्ट में इसमें कार्यवाही का आवश्यकता नहीं है, सुधार करने की जरूरत है, ये स्पष्ट लिखा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, केंद्रीय सड़क निधि ने क्लियर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कुछ स्थानों पर सड़क सतह की विभिन्न परतों का निर्धारण मापदंड अनुसार नहीं पाया जाना। रिपोर्ट आ रही है कि सड़क मापदंड के अनुसार नहीं पाई गई। बीटी कार्य में 60 ग्रेड का उल्लेख है। जब आपको रिपोर्ट मिल गई कि मापदंड के अनुसार सड़क नहीं बनी, तो आखिर किसी न किसी को तो आप दोषी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्या आप दोषी व्यक्ति को बचाने का काम करें? उनने सिफारिश नहीं की तो कार्रवाई तो आपको करना है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जब मापदंड के अनुसार सड़क नहीं बनी? तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वर्तमान परिवेश में सड़क बनाते हैं, ये सड़क का हमेशा से दबना टूटना इसलिए भी होता है कि जैसे आज 10 टन की सड़क चल रही है, उस मापदंड से हमारी सड़क बनी है। अब उधर नया नया आविष्कार होते रहता है और नया नया आविष्कार होते रहता है, फिर अब वो 20 टन
कि गाड़ी आ गई तो दब के टूटना ही है। अब हम उस लेवल पे सड़क बनाते हैं, उस रेशियो में, उस मटेरियल में हम गिट्टी रेती सीमेंट डालते हैं तो फिर उससे बड़ी आ जाती है। एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग पीजी के तहत सड़क जहां भी खराब होता है या भवन या पुल पुलिया तो हमारी पीजी होती है परफॉर्मेंस गारंटी अवधि ठेकेदार के लिए। उस अवधि तक ठेकेदार से हम लोग मरम्मत कार्य कराते हैं और उसके बाद विभाग द्वारा किया जाता है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर अलग है, मैंने प्रश्न अलग किया। जब आपकी केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ने रिपोर्ट में साफ कह दिया कि मापदंड के अनुसार नहीं पाया गया, ये तो सीधा सीधा अनियमितता है ना, तो आप अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बार बार आप मेरे प्रश्न को समझ लीजिए, मैं रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं और आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। पहला आप ये बता दीजिए। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।